तो देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण से आम लोगों को भले ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार और ना ही केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। लिहाजा अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को दिल्ली में स्मॉग पर ठोस कदम उठाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी दिल्ली में स्मॉग पर ठोस कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने सरकार से पूछा है कि आखिर प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने को कहा है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के सचिवों को तलब किया है और 8 नवंबर तक पर्यावरण सचिव को फसल जलाने और प्रदूषण को रोकने की रिपोर्ट एनजीटी में सबमिट करने को कहा है। दिल्ली सरकार से एनजीटी ने पूछा कि कूड़ा जलाने, 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन करने और कंस्ट्रक्शन के काम से प्रदूषण न हो, इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किए। एक प्रिवेंटिव मेजर और जो ऑर्डर था कोर्ट का, जिसके अंदर एक सब कमिटीज बनी थी, उन कमिटीज की कंप्लायंस वगैरह सब फाइल हो चुकी हैं। उसके जब संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एक बात और रखी, क्योंकि दिवाली के बाद एकदम से प्रदूषण लेवल हो गया है, सो कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी को इमीडिएट मीटिंग लेने के लिए कहा गया। वहीं केंद्र सरकार ने भी उत्तरी राज्यों की अहम बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। ये सही है कि जो कुछ होना चाहिए था पिछले कई सालों में नहीं हुआ, उसका परिणाम है वो हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन ऐसा कह करके आरोप प्रत्यारोप लगा करके आज समस्या का निदान नहीं हो सकता। पूरे रीजन के लिए प्रॉब्लम है दिल्ली के साथ साथ, कि हमें कोई रीजनल एक्शन प्लान बना के उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, सभी लोगों को मिलकर लेना होगा। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आज की डेट में, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो क्रॉप बन रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी हवा का प्रदूषण 6 गुना ज्यादा है। दिल्ली में सांस लेने वाले लोगों के भीतर रोजाना करीब 40 सिगरेट का धुआं जा रहा है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों ने एडवाइजरी जारी की है और बच्चों को मास्क पहनकर आने को कहा गया है, जबकि दिल्ली NCR में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।